लेकिन एक भगत, ऐसा भगत आया जिसने सबके लिए मांगा। हमारे दादाजी पंडित जगन्नाथ जी का एक भजन है, वो क्या कह रहे हैं कि सबके भले में अपना भला, ये जीने की सीख कला, देखे मन ना मिले तो तन को मिला। जरूरी है सबके मन मिले, हाथ तो मिला ही सके हैं, जापियां मिल सके हैं, एहसास भी क्यों करवाते हैं कि मैं तेरे से नफरत करता हूं। मन ना मिले तो तन को मिला, ये जीने की सीख कला, इस तरह से जीना चाहिए। तो भगत भगवान के दरबार में आता है, बाबा के दरबार में, बोला हे प्रभु बाबा जी, मैं अपने प्रदेश को ऐसा ऐसा देखना चाहता हूं। कैसा? क्या बताया बोला? ओ बाबा, मैं अपने हरियाणे में, ध्यान से सुनना जी और गौर भी करना। ओ बाबा, मैं अपने हरियाणे में ईसा देखना चाहूं हो, प्यार देखना चाहूं हो, मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं। कैसा कैसा देखना चाहता भगत? मैं तो ये मानता हूं कि सभी ऐसा देखना चाहते हैं, क्योंकि नफरत से बुरी कोई चीज नहीं है, बैर से बुरी कोई चीज नहीं है, और प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। के राम राज आजा कत्ते बोतले पड़े, भाई गेला भाई कत्ते भी न लड़े, मीठी वाणी हो जाए न सारे लोग की, और बोले तेनु लाग जड़ फूल से जड़े, का मतलब समझ है ना, अहंकार मतलब घमंड है। हे बाबा, मेरे प्रदेश में अहंकार नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का घमंड, क्योंकि घमंडी मानस के गुस्सा उठेगा और गुस्से में करे हुआ फैसला इंसान को बर्बाद कर देता है। दादाजी ने बताया है कि मेरे लागे भाई किसी मानस में घमंड है, इसमें उसकी पहचान है जी। हमारे दादा पंडित जगन्नाथ जी समझाने वाले सूर्य कवि हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने बताया कि जो मानस मैं शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है ना, कि मैं न्यू कर दूंगा, मैंने न्यू कर दिया, मैं ये करूंगा, दोनों मान लियो आदमी घमंडी है। कि बात बात पे दिया करे जो मैं पे ज्यादा जोर, वो अंदर से कुछ और है, हर बार से कुछ और। अर्धम मैं करने वाला अहंकारी पावेगा, अपने प्यारे की गेला करता गद्दारी पावेगा, मन ही मन में तकता भगतो फरनारी पावेगा, और अहंकारी साधु अंदर से संसारी पावेगा। क्यों? क्योंकि कोन्या रुकती भीतर में रही ऊंट कुदरती लोर, वो अंदर से कुछ और हर बार तक कुछ और। मैं न्यू कर दूं जो सबसे घना बके, वो कह कर राजी हो लेकर कुछ भी ना सके, अपने में ना सबर करे धन और का तके, औरा की करे बुराई अपने ऐब न ढके। और ऐसे मानस धोरे हो से सुखी बोरे बोर, वो अंदर से कुछ और है बाहर तक कुछ और। एक आधा बहुत बढ़िया लगेगा दिखने में, दे एक आधा तो ऊपर ते बड़ा संत दिखाई दे, और कर्म ऐसे करे सारा जगत बुराई दे, दो भाइयों में चुगली करके करा लड़ाई दे, और एक जने की जाके ने फिर आप गवाही दे। झूठ बोलने वाला हो से उस राम जी का चोर, वो अंदर से कुछ और हर बार पे कुछ और। के श्री जगन्नाथ इस माया का चमत्कार देखता रह गया, मेरे कारण दुनिया लेगी बाजार देखता रह गया, ऊपर ऊपर ते लोगों का प्यार देखता रह गया, अपने भीतर बड़के देखा गोने बार देखता रह गया। परमात्मा से नहीं मिलाई जिन्हें आत्मा की डोर, वो अंदर से कुछ और हर बार का कुछ और। अहंकार का
सियारे में नाम नहीं हो, ते मन का किते कोई काम नहीं हो, सब के विचार शुद्ध हो जाने चाहिए। पाप की कमाई के काम नहीं हो बाबा, पाप की कमाई के काम नहीं हो, पाप की कमाई के काम नहीं हो। अच्छी अच्छी बात सोचे सब मन में, हे बाबा मेरे प्रदेश के लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सोच से ही जीवन चलता है जी, जो जैसी सोच रखता है वो वैसा ही बन जाता है। अच्छी अच्छी बात सोचे सब मन में, कोई भी ना रहना चाहिए गंदे पन में, जात पात का ना कोई भेदभाव हो, जागृति आ जाओ सभी जन जन में, जागृति आ जाओ सभी जन जन में, जागृति आ जाओ सभी जन जन में। भ्रूण हत्या जैसा योगी ते पाप नहीं हो, सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या, पेट के अंदर ही कन्याओं को मरवा दिया जाता है, बहुत बड़ा पाप। आज हमारी बेटियां हमारे देश का नाम रोशन करती विदेशों में बाहर जाती हैं, बेटों से कम नहीं बेटियां। आज हमारी बेटी ने एवरेस्ट पर चढ़ करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, उन बेटियों को न जाने कितनी बेटियों को पेट के अंदर ही मरवा दिया जाता है। हे बाबा मेरे प्रदेश में ऐसा जघन्य अपराध ना हो, बुढ़ापा जैसा योगी ते पाप नहीं हो, जन्म की अंधेरी काली रात नहीं हो, रिश्ते नाते में ओ सारा प्यार हो घना, बेटा नालायक शर्म की बात नहीं हो, बेटा नालायक शर्म की बात नहीं हो, बेटा नालायक शर्म की बात नहीं हो। घर घर में या सेवा गौ माता की बने, आज हिंदू धर्म की पहचान गौ माता और उसकी बिरान माटी हो रही है। हमारे प्रदेश में रोड़ा झगड़ा हो गया था ना, उस समय में गोवा में था, हमारा कोई फिल्म का काम चल रहा था, तो 10-12 दिन वहीं था, वहीं मैंने ये भजन लिखा, उसी समय वैसे ही मोबाइल पर गा के भेजा था कि भाई आपस में झगड़ा ना हो। ये प्यार ते बढ़ के दुनिया में कुछ भी को ना प्यारा, मान लो रे कहा हमारा बढ़ाओ भाईचारा। जितनी एकता होगा ना, जितनी मजबूती हम सब में होगी, उतने पावरफुल होंगे ना तो सरकार वाले, पता नहीं कितनी सरकारें आती हैं जाती हैं, आज कोई है तड़के कोई आवेगा, लेकिन हमारी एकता होगी ना फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। जब न्यारे न्यारे हो गए ना, चाह नहीं है लेकिन कट्ठे रहने को ना देवे, समझना तो हमें पड़ेगा। के प्यार तो बढ़ के दुनिया हमें, प्यार तो बढ़ के दुनिया हमें, ये कुछ भी को ना प्यारा, मन लो रे कहा हमारा बढ़ाओ अपना आप होया था ना, करवाया गया था यो। जात पात का जो ये जहर फैलाया था, कुछ गंदे लोगों ने फायदा ठाना चाया था, अरे जात पात का जो ये जहर फैलाया था, कुछ गंदे लोगों ने फायदा ठाना चाया था, और आपस में लड़वाया था पर समझे नहीं सारा, मान लो रे मान लो मान लो हमारा बताओ भाई सारा, मान लो हमारा बताओ भाई सारा। सबसे बड़ी अब वो बिंदिया चोटी वाला कर रहे, तीन जात हो है ना, कुछ नहीं होता है तो कहने की बात थी। इंसानियत तो बढ़ के कोई धर्म और जात नहीं, जो इंसान है ना, एक इंसान बनना ही बहुत बड़ी बात है कि बहुत अच्छा इंसान है।
इंसानियत तो बढ़के कोई धर्म और जात नहीं, दिल दुख है ओरा का करो ऐसी रवात नहीं। इंसानियत तो बढ़के कोई धर्म और जात नहीं, दिल दुख है ओरों का करो ऐसी बात नहीं। हमने कभी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि दूसरे आदमी का दिल दुख है, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे। हमने कोई बोल के देखो हमारे भी तो दिल दुखता है, तो कभी भी ऐसे वचन निकालो ही मत। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आवे गम की अंधेरी रात नहीं, आवे गम की अंधेरी रात नहीं, हर पल रहेगा प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के ने कह जीवन पुरिया, ये पैर भाव का दिल से सब दूर करो जा, हाथ जोड़ के ने कह जीवन पुरिया, ये पैर भाव का दिल से सब दूर करो जा, एक है सपने बनाने वाला, एक उस भगवान ने बनाया सबको और वो किसी को अलग नहीं समझता, फिर हम क्यों ऐसा करते हैं? एक है सपने बनाने आला, न समझे किसे न वो न्यारा, मान लो